You're watching Exposed India. फेसबुक पर चंद रोज पहले वीडियो अपलोड कर समाजवादी पार्टी पर आजम खां पर बरसने वाले अमर सिंह ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान अमर सिंह आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी पर भी जमकर बरसे। अमर सिंह ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी करार देते हुए उस पर परिवारवाद का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोहिया जी ने पार्टी में अपने परिवार के किसी सदस्य को स्थान नहीं दिया था, लेकिन यहाँ तो पूरी पार्टी ही परिवार से भरी पड़ी है। अमर सिंह ने चुटकीले अंदाज में कहा कि जिस तरह बेटी के बड़े होने पर वर ढूंढा जाता है, वैसे ही सपा परिवार के बच्चों के बड़े होने पर क्षेत्र ढूंढा जाता है कि कहाँ से चुनाव लड़ा जाएगा। काला जादू करने वाली, टोना करने वाली मैं नहीं कर रहा हूँ। चुनाव से एक दिन पहले मुलायम सिंह की पत्नी ने पत्रकार वार्ता करके कहा था कि मेरा अपमान हुआ है, मेरा मान हानि हुई है और अखिलेश और उसके समर्थकों द्वारा की गई। लिखित क्या क्या कहा गया है, उल्टा और क्या क्या कहा गया है, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता सारे विरोध के बावजूद। लेकिन जब भरत ने अपनी माँ कैकेयी के बारे में कहा तो राम ने भरत को रोक दिया, हमारी माता है, ये है विष्णु, ये है राम, ये है राम की परंपरा, ये है विष्णु, विष्णु का वैष्णव धर्म मर्यादा कि कैकेयी को भी राम ने माँ माना, भरत को भाई माना। आप प्रतिम को भाई मानते हैं, आप साधना जी को बाप मानते हैं और आप विष्णु का मंदिर बनाएंगे। आपने कहा था कि 4 महीने बाद मुलायम सिंह को पद दे देंगे, दे दिया। आपने कहा था ये बाहरी है, इसकी वजह से झगड़ा है, मैंने तुम्हारे पिता को पैक करके रैप करके दे दिया, बात नहीं करता मुलायम सिंह से, अब तो अंकल नहीं है, एक हो जाओ, एक हो जाओ, किसके सिर पर ठीकरा तोड़ोगे। और ये समाजवादी पार्टी और उर्फ नमाजवादी पार्टी की परंपरा है। आज सरकार ने ये घोषणा की है कि द्रोण विधिक है, लेकिन नमाजवादी पार्टी में बहुत दिनों से द्रोण चलता है। अमर सिंह को गाली देनी है तो किसी ठाकुर को खोजो, मोहन सिंह गाली देगा, कोई यादव ना दे। रमाकांत यादव को निकालना है, अमर सिंह खबरदार किसी अहिर के खिलाफ मत बोलना। राम गोपाल बोलेगा रमाकांत के खिलाफ, यादव के खिलाफ, यादव बोलेगा यादव के खिलाफ, क्षत्रिय देगा क्षत्रिय को गाली। स्वर्गीय मोहन सिंह ने मृत्यु से पहले आके मुझसे क्षमा याचना की,